हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे HMT वॉच के बारे में। इंडिया की फर्स्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिस कंपनी के लॉयल कस्टमर की बात की जाए तो 100 मिलियन थे और उससे ऊपर भी। वॉच सेलिंग की बात की जाए तो 11 करोड़ वॉचेस HMT ने सेल किया। फिर क्या हुआ और कौन से प्रॉब्लम आए जिस वजह से HMT पूरी तरह से कोलैप्स हो गए और फेल हो गए, हम इस वीडियो में वही लेसन सीखेंगे किस कारण से HMT फेल हुआ। लेट्स स्टार्ट नाउ। हमें फर्स्टली HMT की हिस्ट्री को जानते हैं। HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स पब्लिक लिमिटेड, इस कंपनी को गवर्नमेंट ओन करता था। कंपनी की नींव रखी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन पीपल टाइम के मामले में अवेयर होना चाहिए और अपनी कंट्री को एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। इस चीज को इंडिपेंडेंट इंडिया को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इस वजह से HMT की नींव रखी गई। उसी तरह से 1956 में आइडिया इनके माइंड में बैंगलोर में फर्स्ट प्लांट इस्टेब्लिश किया। 1961 में HMT घड़ी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आया एक नया दौर। उस टाइम पे HMT एक बहुत ही बड़ा ब्रांड, क्योंकि इंडिया में स्वदेशी ब्रांड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से मार्केटिंग करने की इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं थी। इस कंपनी ने HMT ने कोलैबोरेशन किया मिस सिटीजन वॉच कंपनी जापान 1961 में। फर्स्टली उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया एटॉमिक डे डेट एंड वॉच। फर्स्ट ईयर में 4 ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया और वो बेहतरीन तरीके से मार्केट को छाए। अगले 25 साल में HMT ने 3 और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश किया। HMT को सक्सेस होने में इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा हाथ, क्योंकि इंडिया में ऐसी पॉलिसी थी बिग बिजनेसमैन एंड प्राइवेट एंटिटी ने वॉच मैन्युफैक्चरिंग बिग स्केल पे किया नहीं जाता, कर नहीं सकती, फॉरेन कंपनियां इंडिया में आ नहीं सकती। ये सभी पॉइंट्स HMT को बहुत ही पॉजिटिव वे से इम्पैक्ट करते हैं। इस वजह से HMT बहुत ही तेजी से ग्रो करने। एक समय ऐसा आया कस्टमर को एक एक मंथ से भी ज्यादा प्री बुकिंग करनी पड़ रही, क्योंकि HMT घड़ियां मैन्युफैक्चर करने में कहीं पे रुक गई, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ही बड़ा था और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत कम और कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो ना के बराबर कॉम्पिटिटर। फिर आया 1991। उस टाइम पे इंडिया में फॉरेन कंपनी एंड इंडियन कंपनी बिग स्केल में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे वॉच इंडस्ट्री, और वहीं से HMT का ड्रॉबैक्स देखने को मिल रहा। कॉम्पिटिशन में पहले से ही HMT नहीं थी, इस वजह से HMT बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था लेकिन विदाउट कॉम्पिटिशन। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन आया, इस वजह से भी कहीं पे HMT को उसका खामियाजा भोगना पड़ा। अगर हम बात करेंगे HMT की, हु इज किल HMT, HMT वॉचेस व्हाई फेल इन इंडिया, वो कौन से रीजन है जिस वजह से HMT इंडिया में फेल। पॉइंट के हिसाब से हम इस चीज को देखेंगे और हमारे बिजनेस में इन्हीं चीजों को सही ढंग से किया जाए तो किस तरह से बिजनेस को ग्रो किया जाए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम देखेंगे इनोवेशन इज अ मस्ट। इनोवेशन की कमी देखने को मिलती है HMT वॉच में। HMT ने 1982 तक वेरिएशन नहीं किया था अपने प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन नहीं था, नया प्रोडक्ट कोई अदर ब्रांड लेके नहीं आया था। इस वजह से भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं, यही भी एक बिग ड्रॉबैक हो सका HMT को डुबाने। सेकंडली हम देखेंगे गुड डिजाइन रूल्स। यहाँ पे भी HMT पैकेजिंग करने में फेल हुई। प्रोडक्ट तो सही बनाता था HMT, लेकिन मार्केट में 1991 के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटर आए। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में वैरायटी लाई, उसके साथ साथ बेहतरीन पैकेजिंग लाई और उसमें HMT कहीं फेल हुई। और थर्ड प्रॉब्लम आया HMT को कॉस्ट कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। कंपनी का विजन था इंडिया को बेहतरीन वॉचेस प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ खुद के एम्प्लॉय को भी अच्छी तनख्वाह देना, बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, लेकिन उनको एजुकेशन देना यही पे वो भूल गए। और अपनी कॉस्ट कंट्रोल को डे बाय डे वो प्रॉपर कॉस्ट ऑडिट कर ही नहीं रहे। इस वजह से भी उनकी डेफिशिएंसी उन्हें मालूम ही नहीं पड़ी और बिग लॉसेस उन्हें वहां से होने लगे। इस वजह से भी मैसिव लॉस हुआ कंपनी। एक कहावत है, मिसिंग अ अपॉर्चुनिटी इज अ लाइक मिसिंग द ओनली बस। अगर हमने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो हम अगली अपॉर्चुनिटी को पाने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है, और उस टाइम पे कोई और जगह ले सका है अपने कॉम्पिटिटर या अपने कलीग्स। इसी चीज को HMT को बहुत देर से समझ।
नॉट आइडेंटिफाई मार्केट नीड। HMT अपनी ऑडियंस को समझ ही नहीं पाए, किस कैटेगरी के पर्सन को अपनी वॉच चाहिए, अपना प्रोडक्ट चाहिए, ये समझने में बहुत ही पुअर रहेगा मैनेजमेंट। क्योंकि इंडिया अब युवाओं का देश था। उस टाइम पे अगर आप 30 प्लस एज के ग्रुप को ही टारगेट करते रहेंगे तो इंडिया में यूथ को चॉइस करने की जरूरत पड़ती है और यूथ उस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं। बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे HMT हो गई। और फिर लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद का बिग कॉम्पिटिटर जिसका नाम है टाइटन। टाइटन वॉच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया। फर्स्टली टाइटन ने क्विज वॉच को प्रमोट करना स्टार्ट किया, यानी कि सेल पे चलने वाली घड़ियां। और HMT अपने पुराने ही तरीके को फॉलो करती थी, मैकेनिकल वॉचेस में इन्वॉल्व होती और उसमें ही प्रोडक्शन किया करता था HMT। इस वजह से भी मार्केट का पर्सपेक्टिव ही देख नहीं पाया HMT, मींस प्रीमियम प्रोडक्ट ही कस्टमर को चाहिए। इन चीजों को भूलते हुए HMT कहीं और चला गया और अपने कॉम्पिटिटर के साथ चल ही नहीं पाया। अगर HMT डूब गया तो उसका मेन रीजन है पॉलिटिकल सपोर्ट, जिस वजह से इसका ढांचा ही पूरी तरह से वीक हुआ। न्यू इनोवेशन मार्केट में नहीं था, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे। अगर लॉयल कस्टमर भी हो, बार बार वही प्रोडक्ट उनको परचेस करना पड़े तो वो कहीं समय के बाद उब जाते हैं और नए प्रोडक्ट की तलाश में वो डटे रहे। और यहीं पे HMT का अंत हुआ, प्रोडक्ट के साथ भी और खुद को खुद के साथ। कॉम्पिटिशन में कभी HMT रहा ही 2000 से लेके 2012 तक HMT पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, मार्केटिंग को समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन टाइटन बहुत ही डिफरेंट तरीके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा। चाइल्ड के प्रोडक्ट को लेके आया, अडल्ट यूथ को एंड प्रीमियम के साथ साथ मीडियम क्लास को भी अपना प्रोडक्ट सेल किया करता। इस वजह से भी टाइटन आज के समय में मार्केट में छाया हुआ। अगर आपको टाइटन की पूरी जर्नी को जानना है तो हमें कमेंट कीजिए, हम टाइटन के ऊपर भी एक नई केस स्टडी लेके आए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को जल्द ही मिलेंगे।